तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते उसके एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते उसके इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव दिया गया है और इसके इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। चलिए सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, मान लीजिए कि एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू और एक चार्ज है निगेटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू और निगेटिव क्यू और दोनों का बीच का दूरी कितना है, तो दोनों का बीच का दूरी वही 2a है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ए पर रखा गया, इसको पॉइंट बी पर रखा गया, दोनों का बीच का पॉइंट हो गया O, ये आधी दूरी कितना है तो a है, ये आधा दूरी कितना है तो a है, और इसके सेंटर से O से r डिस्टेंस पर ऊपर चले जाएंगे, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट मान लीजिए दिया गया है P, और इस पॉइंट P पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की ओर यह बनेगा E1 वेक्टर, और निगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा अंदर की ओर, यह कितना बनेगा तो E2 वेक्टर। तो E1 और E2 के चलते जो रिजल्टेंट बनेगा वह इस डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर ये वाला एंगल है थीटा तो यह भी एंगल कितना हो जाएगा, तो यह भी हो जाएगा थीटा। तो अब यहाँ पर यह देखिएगा कि इस E1 के चलते इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E1 cos थीटा, और इस E2 के चलते इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, तो प्लस हम लोग लिख देंगे E2 cos थीटा। और फाइनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा, जिसको कि हम लोग नेट रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, वह होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अच्छा, अगर ये मान लीजिए यह दूरी a है और यह दूरी r है, तो पाइथागोरस के थ्योरम से यह दूरी कितना होगा, तो यह वाला दूरी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस के थ्योरम से। हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलिए आगे देखते हैं E1 के जगह पे क्या लिखेंगे। तो E1 किसके चलते बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज के चलते बन रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे K गुना क्यू दूरी का स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर और गुना cos थीटा प्लस E2 के जगह पे क्या लिखेंगे, तो निगेटिव चार्ज के चलते बन रहा है, तो K गुना क्यू दूरी का स्क्वायर यानी कि BP का स्क्वायर और गुना क्या लिखेंगे cos थीटा। आगे वैल्यू पुट करेंगे K गुना क्यू गुना cos थीटा बटे AP का स्क्वायर। AP का वैल्यू है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये रूट का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। उसी तरह से के गुना पी गुना कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि यह दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए जुट जाएगा। फाइनली ई का जो वैल्यू हो जाएगा 2 × K × P, पी नहीं यहाँ तो क्यू होना चाहिए, यह चार्ज है क्यू, यहाँ भी हो जाएगा क्यू गुना कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वायर। फाइनली देखिएगा 2 × K × Q बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो जो ये थीटा है, यदि समानांतर रेखा पैरेलल लाइंस में यह अल्टरनेट एंगल हमेशा सेम होता है, एकांतर कोण बराबर होता है, यह थीटा तो यह भी थीटा
और ये संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थीटा, तो ये भी थीटा। तो किधर से भी आप कॉस थीटा लिखिएगा तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया, इसको ए कहते हैं और इसको क्या कहेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा का वैल्यू लिखिएगा ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट अंडर के बदले में वन बाय टू लिख देंगे। अब यहाँ से लिखिएगा के जगह पे क्या लिखिएगा, तो के जगह पे एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अगुना टू ए के जगह पर इलेक्ट्रिक डायपल मोमेंट पी बटा, इस पर पावर वन है, इस पर पावर वन बाय टू है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर हो जाएगा तीन बटे दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन यदि लिखना पड़े तो वन बाई फोर पाई इप्सिलन नॉट गुना पी बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर तीन बटे दो। यदि वेक्टर के रूप में लिखना है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को यदि वेक्टर बनाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर बन जाएगा। यहाँ पर आपको पढ़ना है एक छोटा सा केस कि इन केस इफ आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मान लीजिए कि ये पॉइंट पी जो है बहुत ऊपर लेके चले गए और आर इतना बड़ा है कि उसके सामने ए का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो जब ए का वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, ए स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल, उस कंडीशन में आर स्क्वायर पे पावर तीन बटा दो, तो ये दो और दो तो कट जाएगा, बचेगा आर पे पावर तीन, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बाय आर पर पावर तीन। तो इस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालने के लिए सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के बारे में अगले वीडियो में।